इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 के सीपीआर यानी कि सेंट्रल पेरिफेरियल रोड वहां लेके जाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये दिखाऊंगा कि सेंट्रल पेरिफेरियल रोड में क्या काम चल रहा है और उसकी जो कनेक्टिविटी सदर्न पेरिफेरियल रोड यानी कि एसपीआर के साथ होगी वहां पे क्या स्टेटस है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वीडियो कहाँ से शुरू होगा। तो इस वीडियो में हम इस पॉइंट से ड्राइव कर रहे होंगे और यहाँ से सीपीआर की तरफ जाएंगे और ये सेक्शन दिखाऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस सेक्शन से मैं यहाँ पे जाऊंगा और ये पार्ट दिखाऊंगा आपको। फिलहाल आपको ये बता दूं मैप में कि जो पुराना अलाइनमेंट था द्वारका एक्सप्रेसवे का वो ये अलाइनमेंट था। ये आज के डेट पे एनपीआर है, नॉर्दर्न पेरिफेरियल रोड। यहाँ पे जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये द ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव है और ये जो है ये खेड़की धौला टोल है जिसने गुड़गांव को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये जो सेक्टर है यहाँ पे जहाँ से सीपीआर जाता है ये सेक्टर 36A है। तो आज मैं आपको सेंट्रल पेरिफेरियल रोड में एनएचएआई क्या काम कर रही है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मेरा निजी यूट्यूब चैनल है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और बेल बटन पे हिट कर दीजिए सो डैट जब भी मैं यहाँ पे नया वीडियो डालूँ इस चैनल पे वो इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए वीडियो देखते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। इस समय हमारे राइट हैंड साइड में सेक्टर 88 है द्वारका एक्सप्रेसवे का और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 36B है। ये जो आप राइट हैंड साइड में रोड देख रहे हैं ये डिवाइडिंग रोड है सेक्टर 86 और 84 का और हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो सीपीआर आ जाएगा यानी कि सेंट्रल पेरिफेरियल रोड। ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी एक क्लोवर लीफ सा फ्लाईओवर बनेगा, क्लोवर लीफ नहीं एक्चुअली यहाँ पे एक ट्रम्पेट फ्लाईओवर बनेगा। और हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट चेंजेस भी हुए हैं जिसके वजह से ये जो सारे हाई टेंशन टावर्स है यहाँ पे उन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 या 5 टावर यहाँ से हटने हैं। टावर हटाने का, हाई टेंशन टावर हटाने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। हम आगे से राइट लेंगे, यहाँ पे मैं जूम करके आपको कुछ जेसीबी मशीन्स दिखाऊंगा और जो पाइलिंग का काम हो रहा है वो आप देख सकते हैं उस जगह पे। तो सामने अगर आप देखें तो वहाँ पे पाइलिंग का काम चल रहा है और यहाँ पे अगर आप हर हफ्ते जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ एडवांस स्टेज में काम दिखता रहेगा। तो ये 10 दिन पुराना है, अगर आप आज के डेट पे यहाँ जाते हैं सामने आप देख सकते हैं ये जो सेटअप है वहाँ पे पाइलिंग का काम चल रहा है। तो अगर आप आज वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे शायद शटरिंग का काम चल रहा हो। यहाँ से कुछ और आगे चलते हैं और सीपीआर में मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है। तो फिलहाल सीपीआर में अगर आप देखेंगे तो रोड लेवलिंग का कुछ हद तक मिट्टी को दबा दिया गया है सो डैट एक लेवल में रोड आ जाए और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हाई टेंशन वायर्स हैं तो इसका अलाइनमेंट भी चेंज हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा सो डैट बहुत ज़्यादा आप लोगों को वेट ना करना पड़े पूरी वीडियो को देखने के लिए। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे आपको रोड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में काफ़ी सारे पाइपलाइंस दिखेंगे। ये जो ब्लू पिलर है लेफ्ट में ये माइलस्टोन है, डीमार्केशन है सीपीआर का। तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड में आपको काफ़ी सारे ये पाइपलाइंस दिखेंगे तो ये पाइपलाइंस भी अंडरग्राउंड होने हैं। अब हम आगे चलते हैं, आप हाई टेंशन वायर आप देख सकते हैं कि जो सीपीआर का अब नया अलाइनमेंट है वो ऐसे बनाया गया है कि हाई टेंशन जो टावर्स हैं उनको नहीं हटाया जाए। ये जितने भी ब्लू पिलर्स हैं वो डीमार्केशन है। ये जो सेक्शन है जहाँ पे रोड लेवलिंग का काम किया जा रहा है ये सेक्टर 36A है। सेक्टर 36A में AVL 36 का प्रोजेक्ट भी है जो अफोर्डेबल हाउसिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड रोलर है जो रोड लेवलिंग का काम कर रही है। ये जितना भी एरिया अभी तक हम कवर करके आए हैं ये सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पे कुछ मेजर काम चल रहा है, आई थिंक ये कोई पाइपलाइन का काम कर रहे होंगे या कुछ सीवेज का काम कर रहे हैं। तो ये काम यहाँ पे चल रहा है और रोड लेवलिंग का काम काफ़ी हद तक यहाँ पे कर दिया गया है। लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है वो AVL 36 है। तो यहाँ पे मैं आपको एक राउंड लेके भी दिखाता हूँ कि दूसरी तरफ से कैसा दिख रहा है।
तो हम आगे चलते हैं। सामने जो राइट हैंड साइड में आपको सोसाइटी दिख रही है वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है अफोर्डेबल हाउसिंग का, AVL 36। अभी मैं यहाँ पे एक 360 टर्न लूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये जो एरिया है जहाँ पे सरफेस रोड है CPR का, वो वहाँ पे कितना सरफेस रोड बना दिया गया है फिलहाल। तो अभी फिलहाल मिट्टी का ही रोड है, इसमें वाटर बॉन्डिंग भी होना है, अभी काफ़ी काम बाकी है, बट इनिशियली जो काम शुरू करना था NHAI को या LNT को, वो काम यहाँ पे शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं एक जो लेवल है रोड का वो थोड़ा ऊंचा है दूसरे जगह से, लेफ्ट साइड से। और यहाँ अगर आप सामने देखते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, तो आपको 3-4 हाई टेंशन टावर्स दिखेंगे। ये वो हाई टेंशन टावर्स हैं जिन्हें हटना है, वो बिल्कुल अलाइनमेंट के बीचों बीच आ रहे हैं। इन्हें हटाने का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है, मुझे उम्मीद है कि क्योंकि NHAI इन्वॉल्व है तो ये टाइम से हट जाएगा। यहाँ से हम आगे चलते हैं, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा मैं यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको AVL 36 का प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, थोड़ा क्लोजर लुक दे देता हूँ उसका। तो ये AVL 36 का अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ यहाँ से। अब आपको हाई टेंशन टावर्स जो हैं वो क्लियरली नज़र आने लगेंगे जैसे जैसे हम पास जाएंगे। और यहाँ पे स्ट्रेट जाके जो डेड एंड है वो NH 48 है, यानी कि NH 8 इसका पुराना नाम है। तो यहाँ पे आपको 4 से 5 टावर्स दिखेंगे जो बिल्कुल आप अलाइनमेंट के बीचों बीच देख सकते हैं आज के डेट पे। तो ये टावर्स हटने और काफ़ी बड़े और हैवी टावर्स है ये, इसमें जो वायर्स जा रहे हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है, तो फिलहाल उसे हटाना डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है, बट हटना ज़रूर है क्योंकि NHAI है और इसको टाइम से कंप्लीट कर लेगी। JCB मशीन आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में काम करते हुए। तो हम यहाँ से अब आगे चल रहे हैं और ये जो एनेकोंडा जैसे हाई टेंशन टावर्स हैं, एक्चुअली ये बहुत बड़े हैं। आपको वीडियो में थोड़ा छोटा दिख रहा होगा या इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, बट अगर आप सामने से इसे देखेंगे तो ये नॉर्मल जो हाई टेंशन टावर्स आपने देखा है गुड़गांव में या दिल्ली में, उन सबसे ये काफ़ी बड़े हैं। मेरे हिसाब से ये जो 4 हाई टेंशन टावर्स हैं इन्हें हटने, यहाँ पे रोड ब्लॉक किया हुआ है आगे, यहाँ से हम आगे नहीं जा पाएंगे, तो हम यहाँ से राइट लेके दूसरे तरफ से जाएंगे। तो ये जो सेक्शन है जहाँ पे रोड ब्लॉक किया गया है, यहाँ से एक्चुअली जो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है वो शुरू होगा। आप देख सकते हैं हाई टेंशन टावर यहाँ पे काफ़ी डेंजरस है। तो ये जो सेक्शन है यहाँ से जो फ्लाईओवर है जो SPR को कनेक्ट करेगी, यानी कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे का जो सेंट्रल पेरिफेरल रोड है उसको सदर्न पेरिफेरल रोड के साथ जो कनेक्ट करेगी, वो यहाँ से शुरू होगा। तो उसका काम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कंक्रीट का काम चल रहा है, तो आई बिलीव ये उस चीज़ के लिए ही है। यहाँ पे जल्दी पाइलिंग का भी काम हो जाएगा, पाइलिंग का भी काम शुरू होगा यहाँ पे जल्दी। क्योंकि ये 10 दिन पुराना वीडियो, अगर आप आज जाके वहाँ देखते हैं तो ये काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। सामने आपको राइट हैंड साइड में कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, तो वो स्ट्रक्चर्स का एक्विजिशन अभी हो चुका है, लेकिन सेटलमेंट जो है वो बाकी है। तो जो हरियाणा गवर्नमेंट को करना है वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल पेंडिंग है। 2016 में अनाउंस किया गया था द्वारका एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे, May 2016। तो तब से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट क्या 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ये जो पोर्शन है लैंड का इसका सेटलमेंट नहीं कर सकी है और इसका हैंडओवर नहीं हुआ है एक्चुअली NHAI को। तो इस सेक्शन में जो क्लोवर लीफ का काम है वो उस पार्ट का शुरू नहीं हो पा रहा है इसके वजह से। और फिलहाल हाई टेंशन टावर्स देख सकते हैं, बहुत ही बड़े हाई टेंशन टावर्स हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़े हाई टेंशन टावर्स है। सामने आपको जो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं 2-3, वो सदर्न पेरीफेरल रोड का के ऊपर ये बिल्डिंग्स हैं। तो फिलहाल ये जो अलाइनमेंट है आप सामने लेफ्ट और राइट साइड में भी देख सकते हैं, कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें अभी तक नहीं हटाया गया या उसका सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो उसका भी सेटलमेंट करना बाकी है हरियाणा गवर्नमेंट को। फिलहाल हम आगे चलेंगे और मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि जो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है वहां पे एक्चुअली क्या काम चल रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स हैं
जिनका हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी तक अक्वायर करके NHAI को हैंडओवर नहीं किया है इस लैंड को। और ये हाई टेंशन टावर, ये सामने वाला हाई टेंशन टावर द्वारका एक्सप्रेसवे के साइड के है, और उसके बाद जो हाई टेंशन टावर्स हैं वो सदर्न पेरीफेरल रोड के हैं, और बीच में जो है वो डिवाइडिंग रोड है NH8। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनका हैंडओवर होना है NHAI को। ये हरियाणा गवर्नमेंट ही बता पाएगी कि ये कब करेंगे, कुछ टाइम के बाद इलेक्शन आने वाला है, कहीं ये फिर से ना लटक जाए। ये फिलहाल ये जो एरिया है ये क्लोवर लीफ का एरिया है, यहाँ पे NHAI यानी या फिर LNT ने काम करना शुरू कर दिया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं JCB मशीन्स भी लगी हुई हैं, पाइलिंग का काम भी हो रहा है यहाँ पे। आज जाएंगे तो शायद थोड़ा और एडवांस स्टेज में होगा ये काम। सामने आपको बोर्ड जो दिख रहा है हाई टेंशन टावर के नीचे, वो सदर्न पेरीफेरल रोड है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सदर्न पेरीफेरल रोड से दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। इस वक्त मैं सदर्न पेरीफेरल रोड पे हूँ, और सामने जो है वो NH8 है जहाँ पे आपको गाड़ियाँ दिख रही होंगी। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 75A है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 74A है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अलाइनमेंट में कुछ हाई टेंशन टावर्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो क्लोअर लीफ फ्लाईओवर बनेगा उसमें ये हाई टेंशन टावर्स के वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ से भी एक या दो टावर्स हटाए जाएंगे। अगर हम इस टी पॉइंट से लेफ़्ट ले लेते हैं, आपको लेफ्ट में बोर्ड दिख रहा होगा NHAI का, तो यहाँ लेफ्ट साइड में भी कुछ पाइलिंग का काम चल रहा है। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट ले लेते हैं तो हम खिड़की धौला टोल की तरफ चले जाएंगे, और अगर हम राइट लेते हैं तो हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। और सामने आपको बीचों बीच जो तीन चार टावर्स दिख रहे हैं वो द्वारका एक्सप्रेसवे के हैं। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपसे जल्दी शेयर करूँगा और अपडेट्स के साथ।